हाय आई एम तन्वी डोगरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। ऐसे देखें कि आपने इतने गुड लुकिंग दादा तो ये है हमारी फ्रेंड्स की वॉच तो अभी पूरा नहीं है, ये मैगी रखी है, ये कॉफी रखी है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो अभी आपको पता है क्या खटपट चल रही है परी और नीति में, पर ऑफ स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ स्क्रीन में हम बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं। तो ऑफ स्क्रीन जैसे कैमरा बंद होता है हम बहुत हंसते हैं, हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रणसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हम हैं SG स्टूडियो में यानी कि परिनीति के सेट पे, और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं तन्वी डोगरा से। हम दिखाएंगे कि वो कैसे तन्वी से नीति बनती है, तो चलिए आपको उनके रूम में लेकर चलते हैं और साथ ही तन्वी से करेंगे बहुत सारी बातें। हाय, मैं हूँ तन्वी डोगरा और आज मैं आप सबके साथ फिल्मी बीट्स के साथ स्पेशली करने वाली हूँ मेकअप एंड हेयर स्टोरी। तो आप मुझे देखेंगे कि कैसे मैं तन्वी से बन जाती हूँ नीति जुनेजा। हाँ, तो चलिए, हमारा मेकअप हाफ हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। सो दादा अभी और कलाकारियाँ दिखाएंगे और दीदी, तो आज हमारा, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, आज हमारा मराठी लुक है क्योंकि गणपति चतुर्थी हम मना रहे हैं अपने शो में, तो ये हम पहली बार लुक करने वाले हैं। तो जूड़ा बूढ़ा होगा, प्रॉपर साड़ी वाड़ी पहनेगी आज नीति। सो देखो कि कैसे मैं बन जाती हूँ नीति। ओके, जो आप रोज़ देखते हैं नीति को इतने खूबसूरत मेकअप और हेयर स्टाइल्स में, तो इसका श्रेय जाता है मेरी हेयर स्टाइलिस्ट दीदी रेनू दीदी, जो आपको देख रहे होंगे आपकी कैसे मेरे इतने सुंदर सुंदर बाल बना रही है। अभी ये जूड़ा बनाएंगे आज। और हमारे मेकअप दादा अजय दादा, द मोस्ट हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग मेकअप दादा। ऐसे देखें कि आपने इतने गुड लुकिंग दादा तो सुंदर सुंदर आज नीति बनेगी इन दोनों की बदौलत। और हाँ, हमारी ये ज्वेलरी दीदी जो कि क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनाते हैं हमें, तो अंजु दीदी तो तो अभी आप देखो कि कैसे मैं रेडी हो जाती हूँ इन नीतीज अवतार। चलो, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि अरे यार, विदाउट मेकअप भी रहना चाहिए कभी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर थोड़ा सा भी जा रहे हैं, थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए बंदे को। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इतना हैवी नहीं डेफिनेटली, पर हल्का। तो हम लेट हो रहे हैं, प्लीज़ अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, हमारा और भी चीज़ें हैं, मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मोस्टली आपको शायद प्रोमोस में पता चल जाता होगा कि हम क्या करने वाले हैं और नीति का क्या ट्रैक चल रहा है अभी, और परी और संजू क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हमारे, हम जैसे तो आपको दिख रहा है कि हम मराठी स्टाइल में रेडी हो रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी आ रही है तो हम अपने घर पे बप्पा लेके आ रहे हैं और उसी के लिए हम रेडी हो रहे हैं, और उसी में ही ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, क्या होगा, क्या प्लानिंग होगी नीति की, क्योंकि नीति से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि परी इसके घर पे रहे। उसके लिए तो, नीति के लिए तो ये घर उसका है और उसकी फैमिली है, उसका ससुराल है, उसका हस्बैंड है, बट परी अब, मतलब उसका हस्बैंड अट्रैक्ट हो गया है परी की तरफ, तो उसको नहीं पसंद है कि परी यहाँ पर रहे। सो शी वॉन्ट्स हर टू गो फ्रॉम दिस फैमिली। तो वो क्या करेगी उसके लिए, तो फंक्शन में कुछ ना कुछ होगा बड़ा। रोज़ हमें 40 मिनट्स लगते हैं
और 20 to 25 हमें मेकअप एंड हेयर में रखते हैं, बाकी के 15 मिनट्स में अपना कुछ ना कुछ करती रहती, तो टोटल मिला के 40 मिनट्स में आई गेट रेडी कम्प्लीटली टू गो ऑन सेट विद द स्क्रिप्ट एज वेल। तो क्योंकि हमें सिर्फ मेकअप और हेयर नहीं करना होता, हमें स्क्रिप्ट भी उसी टाइम दी जाती है, तो हमें पढ़ना भी वही उसी टाइम पड़ता है, चाहे कितने भी डायलॉग्स हों। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे दो डायलॉग्स तो आपको दिख रहे हैं, पीछे भी बहुत डायलॉग्स हैं। तो अभी जैसे ही हम रेडी हो जाएंगे तो हमें बुलाने आ जाते। तो मल्टीटास्किंग है, हेयर मेकअप एंड कपड़ों के साथ साथ आपको अपनी स्क्रिप्ट भी याद करनी पड़ती है। तो हाँ, 40-45 मिनट्स कम्प्लीटली टू गो ऑन सेट। या तो बस हम ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, हमें अपने कपड़े चेंज करने हैं और थोड़ा सा मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, तो साड़ी पहनूंगी। तो साड़ी पहनने के बाद एंड जूड़ा करने के बाद, एक्चुअली एक बार हम चेंज कर लें उसके बाद हम जूड़ा बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये जूड़ा ख़राब हो जाएगा। तो बस साड़ी चेंज करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ कंप्लीट नीति अवतार में। टड़ा। तो हेयर इज नीति जुनेजा इन फ्रंट ऑफ यू। तो आफ्टर हमारा हेयर मेकअप ज्वेलरी चूड़ियाँ, आज नीति ने चूड़ियाँ पहनी है ग्रीन कलर की, तो और साड़ी पहनी है फॉर अ चेंज, जूड़ा किया है फॉर अ चेंज, और ये बिंदी और नथ, ये सबसे अच्छी मुझे नथ लग रही है इस लुक पे। सो तो अब मैं बन चुकी हूँ कम्प्लीटली नीति फ्रॉम तन्वी। तो गजरा वजरा भी आज हमने लगाया है प्रॉपर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ना लगा नहीं था कि मुझ पे ये नथ वगैरह सूट करेगी, क्योंकि मैंने कभी पहना नहीं है, और मराठी नथ तो फिर भाई नथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर बड़ी वाली होती है, और मेरा फेस बहुत छोटा है, तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा लगेगा। बट आफ्टर द फुल अटायर विद साड़ी एंड ज्वेलरी एंड जूड़ा, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, मेकअप रूम बहुत ही प्यारा बना के दिया है हमें हमारे बालाजी ने, और उसको हल्का फुल्का मैंने अपना टच दिया है, पर और भी कई चीज़ें ऐड करनी है इसमें, बट अभी के लिए यस, ये हमारी एंट्री है। देन वी हैव आर लिटिल काउच जहाँ हम रेस्ट कर लें थोड़ा, तो इसकी चद्दर वद्दर चेंज होती रहती है, तो आज ये है। देन वी हैव दिस एरिया, यहाँ पर हमारे पूरे कबर्ड्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे मैं काफ़ी सामान आ जाता है हमारा। और हाँ, ये मेरी फैमिली पिक्चर विद माय ब्रदर एंड माय फादर, देन दिस क्यूट क्यूट पिक्चर ऑफ माय फैमिली, माय मदर, ये मेरे मम्मा पापा, मम्मा पापा, मेरे भाई, बहुत पुरानी पिक्चर्स है ये चंडीगढ़ की। सो और ये है लेटेस्ट एडिशन, मेरे बर्थडे पे मेरी बहन धरती ने दिया है मुझे, सो आई हैव केप्ट इट हियर। बाकी हमारे इस सेक्शन में हम आ जाते हैं, तो ये हमारा मेकअप मेकअप एंड हेयर जहाँ पे होता है, मैं यहाँ बैठ के आराम से हम हेयर एंड मेकअप करते हैं, यहाँ पे हमारा सारा सामान रखा हुआ है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड क्यूट पिक्चर ऑफ मी एंड माई मदर, ये भी मुझे गिफ्ट हुई थी विद मॉम का फोटो फ्रेम, सो आई ऑलवेज कीप इट विद मी। तो ये है हमारी फ्रेंड्स की वॉच, आई एम अ बिग 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 फ्रेंड्स लवर, तो क्योंकि हाँ
सामने सामने हमें दिखता रहे टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं, बार बार आप फ़ोन पे देखो, इससे अच्छा मैंने एक घड़ी लगा दी है यहाँ पर तो आराम से टाइम दिख जाता है। प्लस ये है मेरी, दिस इज़ माई वॉल ऑफ मेमोरीज। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये मुझे मिला था सीक्रेट सेंटा की तरफ से, और मेरे सीक्रेट सेंटा थे परी के चाचा जी, हरमन चाचा जी। तो उन्होंने बहुत प्यार से बहुत ही अच्छा एक कोलाज बनाया मेरे फ़ोटोज़ का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये तो मुझे लगाना ही था। उसके आसपास मैंने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ लगा दी हैं, और सबसे प्यारी पिक्चर मुझे लगता है ये है मेरे ऑस्कर के साथ। यस, भाविका के साथ मेरी पिक्चर है, और ये जीजी माँ के टाइम की हमारी पिक्चर है। जीजी माँ से डेफिनेटली बाद में, बट वी थ्री आर स्टिल वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो ये तो यहाँ पे बनती है। या और ये आ गया हमारा कबर्ड सेक्शन, यहाँ पे हमारे मेरे अंदर जो भी मैं लेके आती हूँ, अपना बास्केट हो गई और बैग हो गया, पर्स हो गया, ये सब इसके अंदर रहता है। और यहाँ पे हमारे जो सेक्शन है ये दोनों, अभी ये तो खुला, चाबी अंदर होगी कहीं, पर इस दोनों में हमारे खाने पीने की चीज़ें और वो रहती हैं, किसी को भी कुछ खाना है पीना है तो इसमें सब कुछ है। थोड़ा सा तो अभी पूरा नहीं है, ये मैगी रखी है, ये कॉफ़ी रखी है, ये मखाने हैं, ये हमारे पाउचेज हैं सूप के, क्योंकि मैं कैटल लेके आती हूँ, तो अगर किसी को मैगी भी खानी, मैं मैगी भी बना देती हूँ कैटल में। तो हाँ, खाने पीने की भरपूर चीज़ें रहती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मेरे चाबी पता नहीं, वो मेरे बॉय के पास होगी। तो यार, ये छोटा सा प्यारा सा रूम है मेरा नीति का, और जहाँ पे एक फैमिली एंड कोजी, क्योंकि आप 12 घंटे यहाँ रहते हो तो आपको वैसा प्लेस चाहिए कि हाँ, जहाँ पे आप वापस शूट करके जब आओ अपने रूम में तो थोड़ा रिलैक्सिंग लगे आप, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अपना टच दे दिया है। ऑफ स्क्रीन डेफिनेटली अंकुर के साथ और परी के साथ भी, हम दोनों मतलब ना, हम तीनों ना साथ साथ में रहते हैं। ये मेरा रूम है, ये परी का रूम है, सामने अंकुर का रूम है, तो हम तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और ऑफ स्क्रीन हो तो और भी अच्छी है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो अभी आपको पता है क्या खटपट चल रही है परी और नीति में, पर ऑफ स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ स्क्रीन में हम बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं। ऑडियंस को शायद ये नहीं पता हो कि हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि जो मेरे सीन्स हैं स्पेशली अभी, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वाले सीन्स हैं। मैं रोती हूँ, गुस्सा करती हूँ, चिड़चिड़ी रहती हूँ, सिर्फ वही है मेरे फेस पे। आपको स्माइल नहीं दिखेगी नीति के फेस पे अभी जो ट्रैक चल रहा है उस पर। तो ऑफ स्क्रीन जैसे कैमरा बंद होता है, हम बहुत हंसते हैं, हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, एंड हमारे सेट पे हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। चाहे मैं कितनी ही वैम्पिश दिखूँ आपको ऑन स्क्रीन, लेकिन जैसे ही ऑफ स्क्रीन आप देखोगे मैं ऐसी हूँ, हंसती खेलती। तो ऐसा है कि आपको नहीं पता कि हम कितनी मस्ती करते हैं, कितना हंसते हैं ऑफ होता है, या जब कैमरा चल भी रहा होता है ना, कभी कभी हम ऐसा कुछ होता है कि किसी चीज़ पे आपको हंसी आ रही है तो वो पकड़ी जाती है और फिर हम जोर से हंसते हैं। तो ये बात तो है। शो के अलावा अगर बात करें तो फिर आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था, बिकॉज़ आपने फ्रेंड्स मेंशन किया कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ना इस इंडस्ट्री में बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत ही कम, तो बहुत ही कम में मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत क्लोज हैं। तो दे आर भाविका, जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, एंड धरती। और धरती का तो ये है कि धरती भी SJ में ही शूट कर रही है, उसका नया शो आया है पूर्णिमा ऑन दंगल TV, तो उसका सेट यही है हमारे ऊपर वाला सेट, तो उसका मेकअप रूम भी पास में है। सो आई एम वेरी हैप्पी, इवन शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि हाँ हम साथ में ही होंगे, तो हम लंच भी साथ में कर रहे हैं 2-3 दिन से, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। सो हाँ, तो ये दोनों मेरे इस इंडस्ट्री से अगर आप पूछो तो ये दोनों, एंड ऑफ कोर्स दिशांक, ये हमारे जीजी माँ के को एक्टर, अभी तक भी वी आर इन कॉन्टैक्ट एंड वी आर फैमिली फ्रेंड्स। या अब बड़ा अच्छा लगा मुझे, एंड आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा कि कैसे आपने देखा मुझे कि कैसे मैं चेंज हो जाती हूँ, तन्वी डोगरा से नीति बन जाती हूँ, और जैसे आप रोज़ हमें TV पे देखते हैं वो लुक करने के लिए कितना टाइम, कितना एफर्ट, और कौन से लोग लगते हैं कैमरा के पीछे। तो आई होप यू विल यू लाइक इट, एंड आई एन्जॉयड शोइंग यू माई काइंड ऑफ ऐसा छोटा सा लाइफ ऑफ नीति। थैंक यू।